अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं YouTube। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हूँ HVAC में इंतहाई है। इसमें हम देखेंगे ओरियन का एक टन का यूनिट है, तो जो पहले भी एक दफ़ा रिपेयर हो चुका है लीकेज। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ये किस वजह से लीकेज आती है और इसका हल क्या परमानेंट निकलता है या लॉन्ग लाइफ हाल जो क्या निकलता है। तो इस दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि। तो दोस्तों, इसकी मेन वजह जो सबसे बड़ी वजह होती है, जो सीवरेज सिस्टम और नाले के करीब यूनिट लगे होते हैं तो उनमें यह सीपेज आ जाती है। तो इसको बेहतरीन हाल यही होता है, जैसे ही यूनिट नया लगे उसको आप खोल के पूरे को लाइकर कर दें या कलर कोई भी कर दें तो उससे जो है ना इसके ऊपर एक तह जम जाती है, तो उससे जो है काफ़ी अर्सा तक लीकेज से सेफ रहता है। तो इसमें आप देखेंगे हम इसको रिपेयर करेंगे और इसको उतार के सारे को जो है ना फुल जनरल सर्विस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए, कि पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। हाँ, तो दोस्तों ये जो है ना ग्री का एक टन का AC है, तो अभी मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। तो आपने वही तरीक़ेकार के साथ सब पहले तो गैस पंप डाउन कर लेनी है ताकि जो भी गैस बीच में है वो सेव हो सके। तो इधर से आप देख सकते हैं कि इसमें से आप ऑयल का निशान नज़र आ रहा है, तो इस साइड से ये लीकेज है। तो इसको ग्रिल को मैं उठा के आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने जो ना इसको पहले सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना है, उसी तरह पंप डाउन करके, पंप डाउन करने के बाद आपने इंडोर को लैदा कर लेना। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इंडोर उतार के नीचे ले आया हूँ। तो इसमें आसानी के साथ आप खोलना आसान हो जाता है। बारी बारी करके फुल हमने इसको टॉप इसकी बॉडी को लैदा कर लेंगे। ये स्क्रू होते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो जो ज़्यादा लंबी ना होने पाए। तो आप इसमें देख सकते हैं कवर को हटाएंगे, ये ज़्यादातर मॉडल इसी तरीके के साथ ही हैं, थोड़ा बहुत किसी में फ़र्क होता है। तो ये आप लाकों को ऊपर से उठाएंगे, ये खोलते वक्त आपने इसी तरह करना है। पहले इधर से लाकों को उठाएंगे, जितने भी लाक हैं इनको अनलॉक कर लेंगे, उसके बाद हम कवर को उठाएंगे तो आसानी के साथ ये कवर हट जाएगा। हाँ, तो दोस्तों ये टॉप का जो कवर है ये लैदा हो चुका है। तो अब हमारे सामने जो है ना अंदर वाला हिस्सा वेपोरेटर सामने आ जाएगा। ये छोटा सा बर्तन आप कोई भी स्क्रू के लिए जो पार्ट्स हैं उसके लिए रख लें ताकि आसानी के साथ आपके पार्ट सेव रहेंगे, स्क्रू जो है ना गुम नहीं होंगे। तो ये मैं आपको अब पैनल को हम लैदा करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कॉयल जो वेपोरेटर है उसके साइड पर जो फिटिंग है, जो इसने इसको होल्ड किया है, इसको हम सबसे पहले इसको लैदा करेंगे। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आयल भी आप देख रहे हैं। इसके बाद हम पैनल वाले बॉक्स को लैदा करेंगे। ये आप मैं थोड़ी सी डिटेल के साथ वीडियो बनाई ताकि जो नए काम करने वाले हैं, जो उन्होंने पहले नहीं काम किया, वो आसानी के साथ ईजीली खोल सकें। तो हमारी ज़्यादातर वीडियो कोशिश यही होती है जितने नए टेक्नीशियन हैं, नए लड़के हैं, वो आसानी के साथ काम कर सकें, तो उनको आसानी हो, तो ताकि वो नुकसान से बचें, उनको प्रॉफिट अच्छा हो और वक्त भी ज़्यादा ना लगे, एक चीज़ को बार बार ना करें। तो इस तरीके के साथ आप इजीली कॉयल मुख्तलिफ यूनिटों में मुख्तलिफ तरीक़ेकार के साथ फिटिंग होती है। तो इस तरीके के साथ हमने इसको लैदा कर लेंगे कॉयल को। आप देख सकते हैं कि इसके हमने स्क्रू को ना आपने दोनों तरफ से अच्छे तरीके से देख लेना ताकि कोई लाग या स्क्रू साथ ना लगा रहे। तो अगर आप वैसे ज़ोर लगाते रहेंगे तो कोई ना कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा या कोई ना कोई क्वाइल टेढ़ा हो जाएगा। तो ये हमारा वेपोरेटर आ गया बाहर निकल के सामने। तो उसके बाद इसको हमने जनरल सर्विस कर लेना। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो इधर होल्डर लगा हुआ है, जिसको जो ग्रिप पकड़ के रखता है, तो उसको भी तार लिया, इसमें भी लाक होते हैं, इसको बड़ी आसानी के साथ, ये पहले भी आप देख सकते हैं एक दफ़ा रिपेयर हो चुका है। दोस्तों ये देख सकते हैं कॉयल काफ़ी रफ है, तो ये बाकी की बॉडी है। तो इसको हम जो है ना ब्लोअर दिखा रहे हैं आपको, इसको भी सर्विस करना। तो इसके सर्विस करने से पहले हम पैनल को लैदा करेंगे ताकि मोटर लैदा हो सके। तो पैनल की जो आप टॉप बॉडी को उठाएंगे तो नीचे आपको स्विंग मोटर और ब्लोअर मोटर का जैक नज़र आएगा, तो इसको हम लैदा कर लेंगे। तो ये जैक डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ साइज और कलर के होते हैं, बहुत ही आसानी के साथ आप इनको ट्रेस कर सकते हैं और लैदा। हाँ, तो दोस्तों ये जैक हटा लेंगे मोटर के,
तो उसके बाद पैनल जो है ना बाहर आ जाएगा आसानी के साथ, जाके ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं, आप आसानी के साथ इनको ट्रेस कर सकते हैं। मोटर अगर आप वो आसानी के साथ तार सकते हैं ठीक है, नहीं तो पॉलीथीन के कवर के साथ उसको को कवर कर देता ताकि पानी सा इस्तेमाल करने में आपको आसानी हो। तो ये वेपोरेटर को हमें एक साइड से जो है डेड कर लेंगे, ये एंड कैप लगा के उसके बाद जो है इसको हाई प्रेशर के गेज के साथ हम प्रेशर देंगे। अगर R22 हो तो आप 300-350 तक इजीली प्रेशर टेस्ट कर सकते हैं। अगर 410 गैस है तो उसका प्रेशर जो है रनिंग प्रेशर भी ज़्यादा होता है, डिस्चार्ज प्रेशर भी ज़्यादा होता है, इसलिए आप उसको 500 के करीब ही चेक करें तो बेहतर रिजल्ट रहेगा। तो ये हम आपको दिखा रहे 450 प्रेशर है इसमें। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, बहुत ही आसान तरीकाकार है, बहुत ही बेसिक तरीक़ों में से है। तो इस तरीके के साथ छोटी से छोटी लीक भी सामने आ जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि दो जगह से इसके बबल बाहर रहे हैं। तो हमने इसको जो है ना उसके बाद सोप के साथ भी चेक करेंगे। तो ये दिखाने के लिए आपको कह रहे हैं ताकि आप पॉइंट ट्रेस आउट कर सकें। तो ये देख रहे बबल भी बाहर रहे हैं। तो इसमें आपने वेल्डिंग करने से पहले लाजमी तौर पर प्रेशर का निकालें ताकि कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। तो साफ करते हुए आप प्रेशर के साथ कर सकते हैं ताकि कचरा साइड पर। तो टार्च आपने बिल्कुल लाइट रखनी है कोयल को रिपेयर करते हुए, क्योंकि इनके पाइप काफ़ी लो गेज के होते हैं। तो इसी के बाद हम ब्लोअर को भी साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। तो आपने इंडोर मोटर को कवर कर लिया, अगर लहजा हो जाती है तो वो सबसे बेहतरीन है। तो वो आप बहुत ही आसानी के साथ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने प्रेशर दे दिया इसको तकरीबन 350 तक। तो उसके बाद हम चेक करेंगे फाइनल चेक, हम इससे ज़्यादा प्रेशर दे के चेक करेंगे। तो दोस्तों ये हमने लैन को लहजा कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको कुछ देर 24 आवर चेक कर लें प्रेशर। अगर आपके पास वक्त है तो दोबारा फिर हम फाइनल चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो ना वेल्डिंग बेहतरीन है। तो हमने ये पॉक्सी पेंट भी इसके ऊपर लगा दिया। आप किसी भी तरह का पेंट लगा दें, लैकर लगा दें या ईपॉक्सी भी लगा सकते हैं। पॉक्सी बिल्कुल लिक्विड के हालत में करके तो वो लगा दें, इससे ये है कि ज़रा लॉन्ग लाइफ हो जाएगा ये तरीक़ाकार। अगर आपने ये मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया कि जो सीवर नाले के करीब होते हैं या केमिकल वाली जगहों पे यूनिट इस्तेमाल होते हैं तो वो काफ़ी बहुत जल्दी जो है ना जो ओपन जगह होती है उनसे लीक होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक हाल है, काफ़ी बेहतरीन इनके रिज़ल्ट होते हैं। ये दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं मैंने कलर ये पेंट लगाया हुआ है। तो स्प्रे पेंट भी आप लगा सकते हैं, ये स्प्रे पेंट ही मैंने लगाया। तो उसके अलावा भी जैसे मैंने बताया आप पॉक्सी लगा सकते हैं, एक स्टील पटीन होती है वो भी आप पतली सी बना के बिल्कुल नर्म हालत में बना के लगा सकते हैं। तो अब हम इसको कोयल को फिट कर देंगे अच्छे तरीके से। आपने कुछ देर प्रेशर स्टैंड रख के दे लें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको होल्डर की साइड पे फिट हो गया है। तो इसको जो जब वेल्डिंग करते हैं तो उससे इसकी थिकनेस में चेंजिंग आ जाती है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमने होल्डर को स्क्रू ड्राइवर के साथ हैम्बर करके लगा रहे हैं। तो उसके साथ हैम्बर करने के लिए आप नरम चीज़ ही यूज़ करें। तो इसको हम स्क्रू लगाते जाते हैं इसको होल्डर। आपने ये लाजमी चेक करना है कि ब्लोअर की जो ना सेटिंग चेंज ना हो, यानी कि उसकी थोड़ी बनी तो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, तो वो लाजमी तौर पर आप चेक करें। हमें उसी तरह जो इसके पैनल बॉक्स है उसको लगा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों ये पैनल बॉक्स फिट हो चुका है। उसके बाद हमें इसके स्क्रू आपने ख़ास ख्याल रखना ताकि बड़े छोटे जो है ना वो लहदा लहदा जिस जिस जगह पे लगने उस जगह पे लगाएं। ये आप देख सकते हैं जो रूम टेम्परेचर का सेंसर होता है। उसके बाद ये देखेंगे टॉप से हमने पहले इसको टाइट करेंगे स्क्रू ड्राइवर के साथ। तो ये मैंने डिटेल के साथ इसलिए वीडियो बनाई है ताकि नए लड़के, मैंने पहले भी जैसे गुजारिश की है कि उनको फ़ायदा हो, ताकि वो इस तरह का काम करने में, जनरल सर्विस करने में जो है ना वो उनको आसानी हो। तो ये हम इसी तरह जैसे जैक उतारे थे अब हम लगा रहे हैं। ये दोनों जैक टॉप वाले जो है ना, एक बड़ा जैक जो मोटर का 220 का, उसके बाद जो छोटा जैक वो देख रहे हैं वो कंट्रोल का फैन मोटर का। तो ये हम रूम टेम्परेचर का सेंसर उसकी अपनी जगह पर लगा देंगे जहाँ से हमने निकाला था।
तो उसके बाद क्वेश्चन ये अर्थ के जो पॉइंट है ये भी हमने लगा देंगे। तो उसके बाद ये टॉप का कवर छोटा सा पीस है, उसको भी हमने फिट कर दिया। तो ये लॉक है इसके, इसको हल्का सा पुश करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये अब हम सामने वाला कवर है, जैसे कि मैंने बताया था उतारते वक्त आपने पहले ऊपर से उतारना, लगाते वक्त आपने नीचे से पहले लगाना है। तो ये डिस्प्ले की ये वायर है, इसको हमने बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया आपने इसको फ्लिप को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, जो हमारी स्विंग ग्रिल होती है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप फिट कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो गए अब तो। ये देख सकते हैं बैक साइड के भी लॉक सारे बैठ गए हैं, तो हल्का सा इनको पुश करेंगे तो सारे लॉक बैठ जाएंगे। हाँ तो दोस्तों ये लॉक हो चुके हैं, और ये जो लास्ट पे है दो लॉक वो रहेंगे, उसको भी हम हल्का सा दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसकी भी आपको साउंड सुनाई देगी। तो जैसे ही ये पूरा कवर बैठ जाएगा उसके बाद हम फ्रंट वाली साइड पे आ जाएंगे। तो अभी हमने जो ना इसका जो ना सामने वाली साइड पे आएंगे, इसके डिस्प्ले को लगाएंगे। डिस्प्ले को आपने देखना कहीं उल्टा सीधा ना लग जाए, तो उसको आपने ध्यान से, बाद में तो पॉइंट लाग लगे होते उल्टा होने की जो ना पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसमें देखेंगे डिस्प्ले को हम लगाएंगे, तो इसमें जो साथ में वायर के होल्डर भी हैं, इसमें जो ना कुछ लाग है कुछ पेच हैं। तो हमने डिस्प्ले को ऊपर वाली साइड से जो ना लाग हो रहा है, तो ये साथ में वायर के भी लाग हैं, तो इसको भी आपने बहुत ही एहतियात के साथ बाज गाते हो, ये टूट भी जाते हैं। तो ये हम सामने वाली साइड पे जो ना पेज लगाएंगे बारी बारी, ये तीन ज़्यादातर दो या तीन होते हैं। तो ये वायर भी बिल्कुल सेट करके हमने ले आए नीचे। तो अभी हम ये सामने आप ड्रेन के ऊपर भी देखेंगे तो बाज यूनिटों में लॉक होते हैं, तो इनको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये भी सामने वाला हिस्सा भी बैठ जाएगा। तो इसमें भी दो से तीन चार पेज भी होते हैं, इसमें आप देखेंगे तो तीन पेज हैं। तो अभी हम फ्रंट के पेज लगा देते हैं, फ्रंट वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाए। तो बारी बारी जो है ना आपने इसको टाइट भी हिसाब से करना है, प्लास्टिक होता है। और ये फिल्टर हम लगाएंगे, ये भी आपने ख्याल रखना लेफ़्ट और राइट का, बाज में तो सेम होते हैं, बाज में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हाँ तो दोस्तों फ़िल्टर को लगाते हुए आपने एहतियात करनी है, और इसकी जगह पे बैठाएं ये होल्डर है, उसमें जो ना इसको लगा दें ताकि फ़िल्टर नीचे नहीं गिरेगा। और इसी तरह दूसरी साइड का भी लगाएंगे, लगाते हुए आपने लाजमी तैयार करें ताकि फ़िल्टर टूटने ना पाए, और ब्रेक हो जाएगा तो फिर लगाने में जो ना मुश्किल होगी। उसके बाद हमने कवर को आसानी के साथ आपने बिठाना, ज़रा ज़ोर नहीं लगाना, दोनों सेटअप में इसके ना लॉक बने होते हैं, तो हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगा। तो ज़रा ज़ोर लगाएंगे तो बाद टाइम ग्रिल भी टूट जाती है। तो ये इसका भी हम लगा देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।